राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने उन सब अफवाहों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि वह अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान पर फिल्म बना रहे हैं। तैमूर एक ऐसे सेलिब्रिटी किड हैं जो हमेशा अपनी क्यूटनेस से सभी को आकर्षित करते आए हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते नजर आते हैं। पिछले साल के अंत में खबरें आई थी कि भंडारकर ने तैमूर के नाम को फिल्म के लिए रजिस्टर कर लिया है, पर जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था, खबरें भी आ रही थी कि आप तैमूर पे पिक्चर बनाने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो देखिए टाइटल है, मेरा प्रोडक्शन हाउस है, वो देर कीप रजिस्टरिंग टाइटल इस तरह से, तो ऐसे बहुत ऐसे टाइटल्स है, अवार्ड्स है, बॉलीवुड वाइफ्स है, अलग अलग टाइटल्स है हमारे पास है, तो ऐसा वी कीप रजिस्टरिंग टाइटल, बट दैट डजंट मीन वी आर मेकिंग अ फिल्म राइट नाउ, बट टाइटल वी जस्ट रजिस्टर। अपनी अगली फिल्म गालिब पर बात करते हुए भंडारकर ने कहा, फिल्मों के बारे में चांदनी बार से हिंदू सरकार की जर्नी बड़ी अच्छी रही है। मैंने ऑलरेडी कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसपे रिसर्च कर रहा हूँ, जिसका नाम है इंस्पेक्टर गालिब, उसको भी लेके काफी चर्चे है। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द फिल्म दैट्स द बैकड्रॉप ऑफ सैंड माइंस, सैंड माफिया पे एक्चुअली देखने जाओ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने रिसर्च कर रहा था पिछले 6-8 महीने से, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी रिसर्च के बिना फिल्म खत्म नहीं करता मैं। एक दो और भी सब्जेक्ट है, सीरीज के लिए काम कर रहा हूँ मैं, वेब सीरीज के लिए, तो आई वाज क्वाइट बिजी विद ऑल दिस थिंग, तो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहा हूँ बोल के, टाइम लगता है अच्छी चीज़ें और रिसर्च चीज़ें से, मेरी जिस तरह का सिनेमा होता है तो इट टेक्स टाइम, तो दैट्स द रीजन आई वाज वर्किंग ऑन इट एंड आई एम हैप्पी इट्स नाउ ऑन द फैग एंड ऑफ कंप्लीटिंग एंड श्योरली वेरी सून द अनाउंसमेंट। हाल ही में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के आयोजकों ने घोषणा की है कि भंडारकर को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। INS रिपोर्ट।